Hello friends, welcome back to everyone in my YouTube channel रंजन सर ट्रिपल एस एस 88। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए लाया हूँ स्टैंडर्ड 8 का एनसीईआरटी मैथ सॉल्यूशन चैप्टर नंबर 9 एक्सरसाइज 9.1 का क्वेश्चन नंबर 4th 1 एंड 4th B यानी 4th का पूरा सॉल्यूशन के लिए लाया हूँ। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से हमें क्वेश्चन दिया गया है और लिखा है सब्ट्रैक्ट। सब्ट्रैक्ट का मतलब होता है फ्रेंड्स घटाना, यानी घटा दीजिए किसको, 4a-7ab प्लस 3b प्लस 12 फ्रॉम 12a-9ab प्लस 5b-3, इससे घटाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन को समझ लीजिए, आसान होगा बनाना। तो जैसा कि हमें फ्रॉम लगा है, फ्रॉम का मतलब से, तो क्या करना है, फ्रॉम जहां भी लग जाए तो आपका राइट से लेफ्ट लेके चलना है, राइट से लेफ्ट। अगर आप सीधा लेफ्ट से राइट चलेंगे तो रॉन्ग होगा फ्रेंड्स, बिल्कुल 100% रॉन्ग होगा। तो क्या करना है फ्रेंड्स, हमें फ्रॉम यानी कि राइट का पहले लेना है तब लेफ्ट घटाना है। तो देखिए लिख रहे हैं, पहले राइट का नंबर 12a-9ab उसके बाद प्लस 5b-3 मैंने लिख लिया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब होता है माइनस, तो माइनस दे दिया, फ्रॉम का मतलब माइनस। अब इधर का जो लिखेंगे टर्म, तो आपको ब्रैकेट लेके चलना होगा फ्रेंड्स, विदाउट ब्रैकेट का चलेंगे सब्ट्रैक्ट करते समय गलत हो सकता है। तो ध्यान दीजिएगा, 4a-7ab प्लस 3b प्लस 12, इसको कैसे सॉल्व करना है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा फ्रेंड्स। सबसे पहला काम आप लोग समझ लीजिए कि पहले राइट का, तब उसके बाद फ्रॉम का मतलब माइनस, उसके बाद लेफ्ट का लिखेंगे तो ब्रैकेट दे करके वो नंबर लिख लेंगे। अब देखिए सेकेंड स्टेप में चल रहे हैं, तो क्या करना है, इसको ऐसे ही लिख दीजिए, इसको कुछ भी अभी नहीं करना है जब तक वो ब्रैकेट से बाहर ना आ जाए। इस प्रकार से हो गया फ्रेंड्स। अब देखिए साइन कैलकुलेशन, माइनस और यहाँ पे कुछ भी नहीं है तो प्लस, तो माइनस प्लस माइनस, आपका क्या आ गया 4a। साइन कैलकुलेशन नहीं करना जानते हैं तो सिंपल बात समझ लीजिएगा, अगर ब्रैकेट के पहले माइनस हो तो अंदर जितने भी साइन हैं वो सब चेंज हो जाएंगे, यानी प्लस से तो माइनस हो जाएगा, माइनस से तो प्लस हो जाएगा, प्लस से तो माइनस, प्लस से तो माइनस। तो देखिए 4a, ये माइनस है तो क्या बन जाएगा प्लस, ए प्लस से तो क्या बन जाएगा माइनस, प्लस से तो क्या बन जाएगा माइनस। इस प्रकार हम लोग ने अरेंज कर लिया, अब अरेंज कर लिए साइन कैलकुलेशन को, अब हम इसे सॉल्व करते हैं फ्रेंड्स। तो देखिए हमें नंबर से कोई मतलब नहीं है, लेटर से मतलब है क्योंकि अलजेब्रा है। ए, ए केवल ओनली सिंगल ए विदाउट पावर का, बिना पावर का, पावर नहीं दिख रहा यानी वन पावर वाला कहाँ पे है, तो देखेंगे फ्रेंड्स कि ये हमारा ए का पेयर ए है और कोई नहीं है, इसमें है तो ए भी साथ में है, हमें साथ में नहीं चाहिए सिंगल चाहिए, देखिए मिल गया। तो ये देखना है साइन कैलकुलेशन प्लस अरे माइनस, बार बार आ रहा है साइन कैलकुलेशन फ्रेंड्स, इसलिए साइन कैलकुलेशन का वीडियो मैंने डाल दिया है, आप जाकर देख लीजिए हमारे चैनल पे। तो प्लस अरे माइनस, तो प्लस माइनस अलग अलग जाते हैं तो घटेगा, और घटेगा तो हमेशा घटते समय साइन उसी का पड़ता है जो संख्या बड़ा होती है। तो देखिए ये प्लस और माइनस घटा लीजिए, 12 में से 4 गया कितना बचा 8, और ए है तो ए ही पड़ेगा, साइन किसका पड़ेगा इन दोनों में, इन दोनों में बड़ा कौन है 12 यानी प्लस, प्लस आगे में नहीं दीजिएगा तो भी चलेगा। अब देखिए इन दोनों का कैलकुलेशन हो गया, इसको हटा दीजिए। उसके बाद देखिए ए फ्रेंड्स, मैं समझाने के लिए ऐसा डैश कर रहा हूँ, ऐसा नहीं कि आप भी डैश करें, एग्जाम में ऐसा ना करेंगे। अब देखिए ए बी, ए बी का पेयर ए बी ही होगा, ए बी ए बी, ए माइनस में है फ्रेंड्स अरे प्लस में है, तो माइनस प्लस घटेगी, तो घटेगी, घटा लो 9 में से 7 गया 2 बचा ए बी, लेकिन साइन किसका इन दोनों में जो बड़ा है, 7 बड़ा या 9, तो 9 के पहले का साइन, ए बाद का नहीं प्लस पहले का यानी माइनस। उसके बाद देखिए बी, बी वाले का देखिए बी, ए प्लस से आपका बी प्लस में है अरे माइनस में है, तो घटेगा, साइन किसका पड़ेगा देख लीजिए, बड़ा कौन है इन दोनों में प्लस, तो प्लस 2b, उसके बाद नंबर ए माइनस ए बी माइनस, दोनों एक जैसा है तो माइनस माइनस, ये गुना नहीं कर रहे हैं हम लोग, सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं या ऐड कर रहे हैं, ऐड सब्ट्रैक्ट में माइनस 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 ही होता है, और क्या करना है हमें इस पोजीशन में नंबर को ऐड कर देना है 12 और 3 15। इस प्रकार से हमारा फ्रेंड्स ए आंसर आ गया,
अब इसे कुछ करना नहीं है। तो फ्रेंड समझ में आया होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट सेकंड क्वेश्चन कैसे सॉल्व करते हैं। तो सेकंड क्वेश्चन इससे भी फास्ट करेंगे क्योंकि मैंने फर्स्ट था इसलिए समझाने में लेट लिया। अब क्या करना है इसे समझ लीजिए। क्वेश्चन फ्रॉम लगा है, फ्रॉम का मतलब उल्टा लिखना है, पहले ए तब ए, यानी पहले राइट का 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx टू जेड एक्स और प्लस 10xyz लिख लिया फ्रेंड्स। उसके बाद देखिए फ्रॉम, फ्रॉम का मतलब माइनस। अब ये नंबर लिखिएगा तो ब्रैकेट दे के लिखिएगा हमेशा 3xy प्लस 5yz उसके बाद है माइनस 7zx इस प्रकार से है फ्रेंड्स। इसे मैंने ब्रैकेट में लिख लिया और ब्रैकेट में ही लिखना है। अब देखिए पहले ब्रैकेट से उसके बाहर कीजिए, बाकी का नंबर जो है बचा वैसे लिख दीजिए 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz। उसके बाद देखिए माइनस आगे लगा है और यहाँ प्लस है, तो मैंने बोला था माइनस प्लस कैलकुलेशन नहीं आता है, तो सीधा है कि प्लस है तो उसको माइनस कर दीजिए, यानी उल्टा प्लस है तो उसको क्या करना है माइनस, और माइनस है तो क्या करना है प्लस, इस प्रकार से कर लेना है फ्रेंड्स। अब देखिए क्या करना है हमें, अब हमें करना है फ्रेंड्स पेयर मिलाना, यानी लेटर मिलाना एक्स वाई, एक्स वाई ए वाई जेड, ये नहीं चलेगा तो एक्स वाई, यहाँ एक्स वाई जेड तीनों हैं, तीनों मुझे नहीं चाहिए ओनली एक्स वाई चाहिए, तो एक्स वाई का पेयर एक्स वाई मिल गया। एक क्या है तो साइन देख लीजिएगा प्लस, अरे माइनस तो घटेगा, तो घटेगा कितना 5 में से 3 गया 2xy, और साइन किसका देंगे जो इन दोनों में बड़ा होगा प्लस से प्लस। उसके बाद देखिए yz, yz तो yz मिल गया, a माइनस है a भी माइनस है, तो माइनस 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 ही रहती है क्योंकि भाई 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 ही रहता है, और कितने भाई हो गए 5 और 2 7yz। उसके बाद देखिए zx, zx मिल गया ए माइनस है फ्रेंड्स, अरे प्लस है, तो माइनस प्लस को क्या करना है घटाना है, और साइन किसका जो बड़ा है 2 बड़ा है या 7, 7 बड़ा है, इसलिए 7 के आगे का साइन प्लस, 7 में से 2 गया कितना बचा 5zx। अब देखिए फ्रेंड्स कुछ छूटा तो नहीं, अब छूटा है 10xyz, इसका कोई पेयर नहीं है xyz का, देख लीजिए कहीं पे नहीं है, तो क्या करना है इसको ऐसे लिख देना है साइन के साथ 10xyz। इस प्रकार हमारा फ्रेंड्स सेकंड क्वेश्चन का आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से आप कर सकते हो। अब देखिए मैं इसको कॉलम मेथड से बताना चाह रहा हूं क्योंकि कुछ लोग कहेंगे कि कॉलम मेथड नहीं समझ में आ रहा है, तो क्या करना है हमें देखिए करना क्या है, कॉलम मेथड में अरेंज करना चाहते हैं तो इसमें से ए घटाना है, समझ रहे हैं ना फ्रेंड्स क्या कहना चाह रहा हूं, इसमें से ए राइट से लेफ्ट घटाना है, फ्रॉम लगा है तो पहले इसको लिख लीजिए 5xy माइनस 2yz माइनस 2zx प्लस 10xyz, इस प्रकार लिख लिया। अब देखिए ये बचा है तो इसका फ्रॉम का मतलब माइनस नहीं देना है क्योंकि कॉलम में सजाने जा रहे हैं। तो देखिए ए नंबर को, तो पहला नंबर इसका मिलाइए एक्स वाई किस में मैच कर रहा है इसमें, तो इसके सामने लिख दीजिए जैसा साइन के साथ है प्लस है तो प्लस लिख दीजिए। उसके बाद देखिए वाई जेड मिलाइए, वाई जेड मिल गया तो इसके सामने लिख दीजिए 5yz नंबर के साथ। उसके बाद देखिए जेड एक्स, तो जेड एक्स मिल गया किसके सामने, इसके सामने जो साइन इसका है वही देना, इसको चाहे इसको देख के साइन नहीं देना है फ्रेंड्स, जो इसका साइन है माइनस 7zx। उसके बाद देखिए आपको नंबर नहीं बचा, तो नहीं बचा तो छोड़ दीजिए। अब क्या करना है देखिए हम लोग कर जा रहे हैं वो है सब्ट्रैक्ट है, क्या है सब्ट्रैक्ट, तो सब्ट्रैक्ट में क्या करना है फ्रेंड्स बस साइन चेंज करना है, साइन कहाँ से चेंज करना है नीचे के नंबर का, यानी देखिए ऊपर नहीं देखना है, ए प्लस है तो इसको घेर दीजिए और इसका उल्टा बना दीजिए माइनस, ए प्लस है तो इसको घेर के इसको माइनस बना दीजिए, फिर ए माइनस है तो इसको सर्कल कर दीजिए और इसका उल्टा प्लस बना दीजिए। अगर देखिए प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, ऊपर नहीं देखना है फ्रेंड्स कि माइनस माइनस प्लस, ऐसा नहीं नीचे के साइन देखना है। अब देखिए अब ऊपर के साइन से कैलकुलेशन कीजिए, जो साइन को मैंने सर्कल किया है उसका आप कोई वैल्यू नहीं है, अब इससे कुछ काम नहीं होने वाला है, तो प्लस है अरे माइनस है, तो प्लस माइनस को देखना है तो प्लस अरे माइनस घटाना है, तो घटाते हैं प्लस माइनस क्या होता है घटता है, 5 में से 3 गया 2,
एक्स वाई तो एक्स वाई ही रहेगा, पावर नहीं जोड़ना है। साइन किसका देंगे, जो बड़ा होगा इन दोनों में, बड़ा फाइव है, फाइव का साइन प्लस होगा। अब देखिए ए माइनस ए बी माइनस, भाई भाई यानी बहन बहन, तो बहन होगा। अब देखिए टू और फाइव दोनों बहन 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 ही रहेगा, कितने बहन हो गए हैं, तो सेवन वाई जेड। उसके बाद देखिए माइनस और ये प्लस है तो अलग अलग है, झगड़ा होगा, और झगड़ा होगा तो साइन किसका पड़ेगा, जो बड़े साहब हो गए यानी प्लस, सेवन में से टू गया फाइव जेड एक्स। उसके बाद फ्रेंड्स प्लस टेन एक्स वाई जेड, इसका साइन चेंज नहीं करना है क्योंकि इसके नीचे नंबर नहीं है, जैसा है वैसा सेम लिख दीजिए। ये हमारा आंसर आ गया फ्रेंड्स। तो इस प्रकार से हम लोग निकाल सकते हैं। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड की ओर फ्रेंड्स। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कहता है हमें, तो क्वेश्चन नंबर थर्ड यानी सी, तो फोर का सी क्वेश्चन नंबर क्या कहता है हमें, क्वेश्चन देख लेते हैं फ्रेंड्स, उसके बाद करते हैं। तो सी में हमें दिया गया है फोर पी स्क्वायर क्यू माइनस, पहले लिखा है वो लिख लेते हैं, क्या लिखा है देख लीजिए आप लोग भी, सब्ट्रैक्ट फोर पी स्क्वायर क्यू माइनस थ्री पी क्यू प्लस, प्लस आपका है फाइव पी क्यू स्क्वायर माइनस एट पी, उसके बाद है प्लस सेवन क्यू, और उसके बाद है माइनस टेन, और लगा है फ्रॉम, फ्रॉम में है आपका 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5pq, उसके बाद है माइनस 2pq स्क्वायर, उसके बाद है 5p स्क्वायर q, इस प्रकार से है फ्रेंड्स। तो क्या करना है फ्रेंड्स हमें, देखिए जैसा कि दिया है सब्ट्रैक, तो सब्ट्रैक करना है। एक बार कंफर्म कर लेते हैं कि हमारा क्वेश्चन कहीं तो गलत नहीं हो रहा है फ्रेंड्स, नहीं तो गलत आंसर आ जाएगा। 4p स्क्वायर क्यू माइनस 3p क्यू प्लस 5p क्यू स्क्वायर माइनस 8p प्लस 7q माइनस 10 फ्रॉम 18 माइनस 3p माइनस 11q प्लस 5p क्यू माइनस 2p क्यू स्क्वायर प्लस 5p स्क्वायर क्यू, इस प्रकार से है फ्रेंड्स। तो हम लोग क्या करेंगे, सॉल्व करने जा रहे हैं अब। तो सॉल्व करना है, तो फ्रेंड्स क्या करना है हम लोग, अभी मैंने आप लोगों को बताया कि ये फ्रॉम लगा है, इसका मतलब फ्रॉम के बाद वाला जो नंबर है यानी पहले लेफ्ट राइट वाला तब लेफ्ट वाला, तो राइट वाला लिख लेते हैं इसको। तो देखिए मैं कॉलम मेथड से बताना चाहूँ तो कॉलम मेथड से भी बता सकता हूँ। चलिए इसको अरेंज करके लिखना चाहते हैं तो अरेंज करके आंसर आएगा, नहीं अरेंज करना चाहते हैं तो नहीं भी कर सकते हैं। देखिए कैसे अरेंज करना है, इसमें देखिए पहले क्या है पी स्क्वायर क्यू, तो इसलिए पहले पी स्क्वायर क्यू को अरेंज करके लिख लेते हैं यानी प्लस 5p स्क्वायर क्यू, 5p स्क्वायर क्यू। उसके बाद देखिए इसमें क्या है पी क्यू, या इसको भी लिख सकते हैं बड़े पावर वाले को, तो देखिए बड़े पावर माइनस है तो माइनस 2p क्यू स्क्वायर। देखिए फ्रेंड्स मैं लिख रहा हूँ अरेंज करके लेकिन साइन चेंज नहीं कर रहा हूँ, प्लस तो प्लस, माइनस तो माइनस ही लिखना है, प्लस 5p क्यू माइनस 11q और उसके बाद माइनस 3p और प्लस कुछ भी साइन नहीं है, तो यहाँ प्लस है फ्रेंड्स 18, इस प्रकार से हमने लिख लिया। अब क्या करना है फ्रेंड्स, हम इस नंबर को, ये नंबर जो है वो नंबर को लिखेंगे पेयर के सामने, माइनस है ना फ्रेंड्स, तो लिखेंगे कैसे करेंगे, देखिए प्लस, मैं इसको कॉलम मेथड से बना रहा हूँ इसलिए कि रो मेथड में थोड़ा स्पेस ज़्यादा चाहिए, स्पेस नहीं है। तो देखिए ये प्लस है तो प्लस, इसका पेयर मिला ये पी स्क्वायर क्यू, पी स्क्वायर क्यू, नंबर कुछ भी रहे उससे कोई मतलब नहीं है, पी स्क्वायर क्यू लिख लिया फ्रेंड्स। अब क्या करना है फ्रेंड्स हमें, पी ये देखना है पी क्यू स्क्वायर का, पी क्यू स्क्वायर ये प्लस में है तो प्लस में लिख लीजिए, साइन चेंज नहीं करना है। उसके बाद देखिए पी क्यू, तो पी क्यू ये माइनस में है, जैसा है वैसा लिख लीजिए पी क्यू। उसके बाद क्या करना है फ्रेंड्स हमें, इस प्रकार से पी क्यू हमारा मिल चुका है, अब हमें क्यू का, तो क्यू देखिए 7q है, 7q लिख देंगे। अब देखना है कि नंबर है तो नंबर, नंबर के सामने ये पी बचा है फ्रेंड्स, कहीं पे पी है तो देखिए माइनस 8p है,
तो माइनस 8 पी लिख लेंगे। उसके बाद ये नंबर है तो नंबर नंबर के सामने लिख लेंगे। जैसा कि देख लीजिए 4 पी स्क्वायर क्यू और उसके बाद प्लस 5 पी क्यू स्क्वायर, उसके बाद माइनस पी क्यू के सामने, उसके बाद आपका हो गया 7 क्यू क्यू के सामने, पी वाला पी के सामने। अरे ऐसा साइन चेंज नहीं करना है फ्रेंड्स, हमने साइन चेंज नहीं किया है। अब करना क्या है फ्रेंड्स, हम लोगों को बस सब्ट्रैक्ट है तो सब्ट्रैक्ट को कॉलम मेथड से करते हैं, तो साइन को चेंज करना है। वो भी साइन किसका चेंज करना है, नीचे को। तो नीचे देखिए हमें ऊपर से कोई मतलब नहीं है, इसको सर्कल करके उल्टा बना दीजिए। प्लस है तो माइनस, ये प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस, माइनस है तो प्लस, इस प्रकार से हम लोग कर लेंगे फ्रेंड्स। अब करना क्या है देखिए, ये प्लस है और ये माइनस है, तो प्लस माइनस अलग अलग साइन है, तो अलग अलग पेयर मैंने बताया था एक वीडियो में साइन कैलकुलेशन में, बाबू मैया घटता है, तो घटा लीजिए 5 में से 4 बचा, 5 में से 4 घटा देंगे तो 1 बचेगा, 1 लिखे या ना लिखे कोई फर्क नहीं पड़ता, आपको लेटर लिखना जरूरी है पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर, 1 पी स्क्वायर क्यू स्क्वायर 1 ऐसे छिपा रहता है। साइन किसका देंगे जो इन दोनों में बड़ा है, बड़ा क्या है प्लस, तो प्लस दे दिया। उसके बाद देखिए माइनस, और ये भी माइनस तो माइनस ही होगा। अब हमें इस साइन को नहीं लेना है, जो सर्कल कर दिया उस साइन को लेना नहीं है, ऊपर का साइन और ये जो नया आया, क्योंकि कहावत है फ्रेंड्स कि ध्यान दीजिए माइनस, अरे माइनस तो माइनस ही होगा, 2 और 5 कितना हो गया 7, और पी क्यू स्क्वायर इसको कुछ भी नहीं करना है, जैसा लेटर है वैसा कर दें। ए प्लस ए बी प्लस भाई 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 ही होगा, ऐड कर लीजिए तो ए पी क्यू, उसके बाद माइनस 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 11 और 7 18 क्यू, उसके बाद प्लस 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 ए 11 आपका, ये आपका माइनस प्लस है फ्रेंड्स, तो माइनस प्लस को घटा लेंगे, तो घटाएंगे साइन किसका देंगे जो बड़ा होगा इन दोनों में, बड़ा कौन है फ्रेंड्स 8, तो प्लस देंगे, 8 में से 3 घटाएंगे तो 5p, और प्लस प्लस तो प्लस होगा फ्रेंड्स, और 18 और 10 आपका प्लस प्लस तो ऐड हो गया 28, इस प्रकार से फ्रेंड्स हमारा आंसर आ गया। तो आज बस इतना ही तक, आज चैप्टर नंबर आपका एक्सरसाइज नंबर 9.1 समाप्त हो गया। तो फ्रेंड्स वीडियो आपको कैसा लगा हो, अगर वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे चैनल को प्लीज सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को दबाना ना भूलें, जिससे कि हमारा हर एक नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और आप उस वीडियो को सबसे पहले देख सके। तो मिलते हैं फ्रेंड्स नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक्स फॉर यू वॉचिंग।